लखनऊ में एसजीपीजीआई के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की ओर से एफसीसीएस प्रोवाइडर एंड इंस्ट्रक्टर कोर्स के 7वें संस्करण के 2 दिवसीय कार्यक्रम की शनिवार को शुरुआत हुई। पीजीआई में इस कार्यक्रम का शुभारंभ एसजीपीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर के धीमान ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस कोर्स के जरिए चिकित्सकों, प्रशिक्षु चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर रूप से बीमार और घायल मरीजों को प्रारंभिक देखभाल के लिए आवश्यक जानकारी देना है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित पीएसआरआई अस्पताल के डॉक्टर सीमंत कुमार झा ने बताया कि भारत में प्रशिक्षित चिकित्सकों की भारी कमी है, जिसके चलते आज भी करीब 35% मरीजों का समय से इलाज नहीं मिल पाता है। अगर चिकित्सक प्रशिक्षित होंगे तो समय रहते मरीज की स्थिति की पहचान हो सकेगी और उनकी जान बचाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जितने नए डॉक्टर हैं उनकी तैनाती दूरदराज के क्षेत्रों में या फिर इमरजेंसी में होती है। अगर चिकित्सक दूरदराज के क्षेत्र में हैं तो इस कोर्स को करने के बाद गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज दे सकता है। साथ ही अगर मरीज को वहां पर इलाज देना संभव नहीं है तो बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर कर सकता है। इस अवसर पर पीजीआई रोहतक के आए प्रोफेसर कुंदन मित्तल ने बताया कि गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचे मरीज की जांच करने के बाद चिकित्सक को चाहिए कि वह मरीज को जरूरत के हिसाब से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ले जाए, जिससे उस मरीज को ज्यादा नुकसान ना होने पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि गोल्डन आवर का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मरीज की जान बचाना आवश्यक है। वहीं एसजीपीजीआईएमएस के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर संदीप साहू ने बताया कि यह कोर्स बेसिक क्रिटिकल केयर कोर्स है। इसमें एमबीबीएस, एमडीएमएस, डेंटल किए हुए डॉक्टरों को इस कोर्स के जरिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वह आपात स्थिति में आए मरीजों की जान बचा सके। सारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, ट्रेन डॉक्टर्स तो हमारे पास है नहीं इंडिया में। जितने नए डॉक्टर्स हैं इमरजेंसी में है या फिर सिंपल एमबीबीएस है, कई बहुत रिमोट एरियाज में पोस्टेड है, अगर उनके पास अगर ऐसे पेशेंट्स आएंगे तो वो इतने क्रिटिकली इल पेशेंट को इस कोर्स के ट्रेनिंग के बाद वो डील कर सकते हैं, कैसे उनको ठीक करना है, या फिर उनको समझ में आएगा कि अगर हम नहीं कर सकते हैं, उनको क्रिटिकल पाचन है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो जल्दी से जल्दी किसी बड़े अस्पताल में भेजने का सोच सकते हैं ताकि मरीजों की जान बच सके। तो डिफरेंट बीमारियों में जो जो ट्रेनिंग बोलेंगे 2 दिन की ट्रेनिंग से काफ़ी फायदा पहुँच सकता है मरीजों की जान बचाने। हम हर तरह के डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस लेवल से लेकर के बाकी टर्शियरी सेंटर की भी बहुत, जो डीएम कर रहे हैं वो भी है, और जो डेंटल डॉक्टर है और अदर डॉक्टर्स हैं जिनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, जो इसमें एक जो क्या संसाधनों के जो अभाव देखे जाते हैं, उनके अभाव में कैसे वो इस व्यवस्था को कैसे बनाएंगे ट्रेनिंग के बाद? संसाधन के अभाव में देखिए ऐसा है कि जहाँ पीएससी लेवल पे बहुत रिमोट एरियाज है, वहाँ पे तो जब क्रिटिकली इल पेशेंट है तो बिना आपके पास अगर सिस्टम नहीं हो तो आप ट्रीट नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा जरूर कर सकते हैं कि अगर लगे कि हाँ मरीज की जांच नहीं बच सकती तो किसी बड़े सेंटर में भेजा जाए, कहीं उसको डेफिनेटिव इलाज के लिए किया जाए। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मरीज जो है पता नहीं चलता डॉक्टरों की कितना सीरियस है, सीरियसनेस पता नहीं चलता, डॉक्टर मरीज वही दम तोड़ देते हैं। एक जो 2 दिवसीय कोर्स है सर जी, इसमें जो कार्डियक अरेस्ट के मरीज हैं या जो भी दुर्घटना में घायल मरीज हैं, उनको किस तरीके से जो है आप लोग यहाँ के चिकित्सकों कैसे जो है क्या बता रहे हैं और कैसे इलाज कर रहे हैं? सबसे पहले जो भी मरीज आएगा, चाहे ब्रेन इंजरी का है, दौरे से आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट से आ रहा है, सांस की दिक्कत से आ रहा है, उसको एकदम कैसे पहचाने कि सीरियस हुआ है, उसको इमिडिएटली लाइफ सपोर्ट सिस्टम दें ताकि उसको और नुकसान ना हो और उससे जल्दी आ जाए। इसमें बहुत ज़्यादा दवाइयों का रोल नहीं होता है, सिंपल आपको ऑक्सीजन कब देनी है, फ्लूइड कब देना है, उसको डिफिब्रिलेट कब करना है, ऐसी बातें पता हो तो जल्दी सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि गोल्डन आवर्स की बात जिसे हम करते हैं, एक किस्म का गोल्डन आवर्स है लाइफ का, जो आपने पेशेंट को बचा लिया तो उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे, अगर बचेगा ही नहीं तो अब करेंगे क्या। देखिए, ये जो कोर्स है ये क्रिटिकल केयर कोर्स है, बेसिक क्रिटिकल केयर, तो हम क्या कर रहे हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, कम से कम एमबीबीएस या एमडीएमएस या डेंटल, ये कोई भी डॉक्टर, क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कोविड के महामारी में कि कोई भी डॉक्टर अगर उपलब्ध है और संसाधन उपलब्ध है तो बहुत से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। तो ये कोर्स इसी से संबंधित है कि जब कोई सीरियस या क्रिटिकल इल पेशेंट हो, जैसे कि सीवियर कोविड वाला मरीज, तो उसके उसके इसलिए किन किन चीज़ों का ध्यान दें,
कैसे किन किन विधियों से उनका इलाज करें, कैसे उस पेशेंट को देखें कि वो सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है, कब उसको ऑक्सीजन देनी है, कब उसका बीपी बढ़ाना है, ऑक्सीजन किस विधि से देनी है, बीपी किन किन दवाइयों को देके बढ़ाना है, कब पेशेंट को नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन बाईपैप की ज़रूरत है, कब उसको हमें ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पे डालना है। तो इन गहन बारीकियों पे गहन इलाज के दौरान जो चर्चा की गई है वही इस कोर्स में जो पढ़ाया जा रहा है।